नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 मार्च 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम पोस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पिरामिड ऑफ जोजर के बारे में है। ये पिरामिड कहाँ पर है? इजिप्ट में, यानी मिस्र में। ये पिरामिड देखो 4700 साल पुराना है। 1992 में एक भूकंप आया था इजिप्ट में, जिसकी वजह से इस पिरामिड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और बिल्कुल कोलैप्स होने की सिचुएशन में ये पिरामिड आ गया था। लेकिन उसके बाद इजिप्ट की सरकार ने निर्णय लिया कि इस पिरामिड को हम रीस्टोर करेंगे, ठीक करेंगे, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। 14 साल तक रीस्टोरेशन का काम चलता रहा इस पिरामिड का, और अब इस पिरामिड को जनता के लिए ओपन कर दिया गया है इजिप्ट की सरकार के द्वारा। विश्वास ये किया जाता है इस पिरामिड को डिजाइन किया गया था इमोटेप के द्वारा। जो ये इमोटेप हैं, इन्हें देखो वर्ल्ड का फर्स्ट आर्किटेक्ट माना जाता है। कुछ बेसिक बातें हम इस पिरामिड के बारे में जान लेते हैं। कितने साल पुराना? 4700 साल। 60 मीटर ऊंचा, 7 मीटर चौड़ा। कहां पर है? मिस्र की जो राजधानी है कायरो, जिसे हिंदी में काहिरा कहा जाता है, राजधानी से 24 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है और मेम्फिस की रॉयल कैपिटल के बाहर है। देखो एंशियंट इजिप्ट की कैपिटल हुआ करती थी मेम्फिस, तो इस रॉयल कैपिटल के बाहर है और कायरो से 24 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है ये पिरामिड। वहाँ पर एक सैकारा आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसी के नज़दीक है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें काफ़ी सारे होल्स हैं और कोर्ट्स हैं। पिरामिड के आसपास है ये कॉम्प्लेक्स। देखो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मोनूमेंटल स्टोन बिल्डिंग है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस पिरामिड को बनवाया गया था जब इजिप्ट में फराओ जोजर का रूल था। ये फराओ जोजर जो हैं, ये देखो एंशियंट इजिप्ट की थर्ड डायनेस्टी के सेकंड किंग थे। फराओ जोजर का 19 साल का जो रूल था, इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल इनोवेशंस देखने को मिली और स्टोन आर्किटेक्चर पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। हम बात करें इमोटप की, जिन्हें वर्ल्ड का फर्स्ट आर्किटेक्ट माना जाता है और इन्होंने डिज़ाइन किया था इस पिरामिड ऑफ जोजर को। ये देखो फिजिशियन एस्ट्रोलॉजर दोनों थे। इन्होंने फराओ जोजर के रूल में एज ए मिनिस्टर सर्व किया। आप मैप भी देख लीजिए, सैकारा ये आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहीं पर लोकेटेड है पिरामिड ऑफ जोजर। यूपीएससी हालांकि देखो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगी जितना हमने डिस्कस किया है, लेकिन मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सर क्रीक के बारे में है। कंटेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर से न्यूज़ में आया है सर क्रीक। एक वियोन ग्लोबल समिट अभी ऑर्गेनाइज हुआ दुबई में। यहाँ पर पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं कसूरी, इन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान एक समय में नज़दीक थे सर क्रीक डिस्प्यूट को सोल्व करने के। है क्या ये सर क्रीक डिस्प्यूट? देखो सर क्रीक जो है ये 96 किलोमीटर की वाटर की एक पट्टी है, टाइडल इश्चुरी है, जिसको लेके विवाद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस को डिवाइड करती है 96 किलोमीटर की ये पट्टी यानी टाइडल इश्चुरी भारत के गुजरात को। समझ गए, एक तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस और दूसरी तरफ भारत का गुजरात राज्य। रण ऑफ कच्छ के मार्सलैंड्स में है ये टाइडल इश्चुरी। ओरिजिनली देखो इसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव जो इन्वॉल्व हुए इस डिस्प्यूट को सोल्व करवाने में, उनके नाम पर सर क्रीक नाम पड़ा इस टाइडल इश्चुरी का। ये देखो अरेबियन सी में ओपन होती है, यहाँ पर अरेबियन सी है और ये है पट्टी। विवाद है क्या? विवाद देखो सिंपल है, ये लाल रंग की आपको लाइन दिख रही है, ऊपर देखिए यहां पर ध्यान से, ये लाल रंग की लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया के अकॉर्डिंग।
और नीचे ये हरी रंग की लाइन जो आपको दिख रही है, पाकिस्तान के हिसाब से ये हरे रंग की लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अनुसार है ये, समझ गए। फिर से सिंपल भाषा में बोलता हूँ, इंडिया के अकॉर्डिंग ये लाल लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, जबकि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये हरी लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। देखो, अगर इंडिया पाकिस्तान के क्लेम को मान लेता है तो इंडिया ऑलमोस्ट 250 स्क्वायर माइल का ईईजेड खो देगा। ईईजेड का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मान लीजिए ये भारत का कोस्ट है, आगे 200 स्क्वायर माइल तक का जो एरिया है वो इंडिया का ईईजेड है, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर इंडिया के द्वारा एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो 250 स्क्वायर माइल का ईईजेड इंडिया खो देगा अगर इंडिया पाकिस्तान के क्लेम को मान लेता है। देखो, ये जो एरिया है सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26/11 हमले से पहले आतंकवादियों ने एक जो बोट सीज की थी वो इसी के नज़दीक की थी। इसके अलावा देखो, इंडिया और पाकिस्तान के मछुआरों के बीच भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से डिमार्केटेड नहीं है। बहुत बार इंडियन मछुआरों को कैप्चर कर लिया जाता है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के द्वारा, और बहुत बार इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा भी पाकिस्तान के मछुआरों को कैप्चर कर लिया जाता है। पाकिस्तान का क्लेम देखो ये है, एक रेजोल्यूशन साइन हुआ था 1914 में जिसका नाम है बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन साइन हुआ था सिंध की सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच। इस रेजोल्यूशन के पैराग्राफ 9 और पैराग्राफ 10 के अकॉर्डिंग ये सारा जो सरक्रीक का एरिया है ये पाकिस्तान के पास आता है, इंडिया के पास नहीं आता है। इसीलिए पाकिस्तान के हिसाब से बॉर्डर जो है ये हरी लाइन है और सारा सरक्रीक के ऊपर पाकिस्तान का क्लेम होना चाहिए। जबकि इंडिया ये कहता है कि 1925 में एक जो मैप ड्रा किया गया था उसके अनुसार ये बीच में है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। ये जो लाल लाइन है ये इंडिया के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये सरक्रीक के बीचों बीच है, समझ गए। मतलब इंडिया ये क्लेम करता है बाउंड्री लाइन बीच से होके गुजरती है इस सरक्रीक के, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं, बीच से होके नहीं गुजरती है बाउंड्री लाइन, सारा सरक्रीक एरिया हमारे पास आना चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसा हमने डिस्कस किया, सरक्रीक देखो फिशिंग रिसोर्सेज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत मछलियाँ मिलती हैं और संभावना ये भी है कि यहाँ पर ऑयल और गैस के काफ़ी ज़्यादा भंडार मिले। लेकिन अभी भी इस सरक्रीक को लेकर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट आर्टिकल गोर के बारे में है। गोर क्या है? गोर देखो एक इंडियन बाइसन है। बाइसन मतलब सांड। ये देखो लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन है, मतलब गाय जैसी जो कैटल होती हैं उनमें से सबसे बड़ा है ये गोर, यानी इंडियन बाइसन। इसको देखा गया है वाल्मीकि रिजर्व में, क्योंकि वाल्मीकि रिजर्व में ग्रासलैंड कवर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी घास अभी देखी जा रही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो हम बाद में जानेंगे, पहले इस इंडियन बाइसन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसलिए ये गोर यानी इंडियन बाइसन जो है वापस आ गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। लोकल नेम्स जो हैं गोर के वो इस प्रकार के हैं, सलाडंग मलेशिया में, प्योंग म्यांमार में, और ग्याल और मिथुन ये गोर की डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है। गोवा का स्टेट एनिमल है गोर। आयुष्मान की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। साइट्स जो कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में आता है। खतरा किससे है? शिकार किया जाता है गोर का कंजप्शन के लिए। सूटेबल हैबिटेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है गोर के लिए। इसके अलावा जो पालतू कैटल होते हैं उनसे बहुत बार डिजीज ट्रांसमिट हो जाते हैं गोर में, यानी इंडियन बाइसन में। इस वजह से भी संख्या जो है इनकी कम हो रही है। अब थोड़ा सा हम जानें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। ये देखो नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कहाँ पर है? इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, गंडक रिवर के ऊपर।
ये बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। अब हम आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल कोड ब्लड बैंकिंग से संबंधित है। पहले बेसिक्स की बात कर लीजिए। देखो ये है प्लेसेंटा और ये जो नाल आपको दिख रही है ये है अम्बिलिकल कोड। बच्चे के जन्म के बाद यहां पर प्लेसेंटा में और अम्बिलिकल कोड में कुछ खून रह जाता है, यानी ब्लड रह जाता है। ये जो ब्लड रह जाता है बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा में और अम्बिलिकल कोड में, इसमें देखो काफ़ी सारी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं उनसे कहीं अधिक स्टेम सेल्स होते हैं इस खून में जो रह जाता है प्लेसेंटा में और अम्बिलिकल कोड में बच्चे के जन्म के बाद। तो इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर यूज़ के लिए। समझ गए? मतलब देखो पहले जानकारी नहीं हुआ करती थी तो इस खून का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अब जानकारी है कि इस ब्लड में काफ़ी स्टेम सेल्स होते हैं तो इस ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और स्टेम सेल्स को बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखने के लिए। इसे कहा जाता है कोर्ड ब्लड बैंकिंग। स्टेम सेल्स को देखो बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि स्टेम सेल्स की जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो और फ्यूचर में उन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सके। इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है काफ़ी सारे डिजीज़ के इलाज के लिए, जैसे कैंसर, ब्लड डिजीज़ फॉर एग्जांपल, खून की कमी यानी एनीमिया, कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ डिजीज़ इम्यून सिस्टम से संबंधित जो हमारी बॉडी की क्षमता है बॉडी को डिफेंड करने की उसे कमज़ोर कर देते हैं, ऐसे डिजीज़ के इलाज के लिए भी उपयोग हो सकता है इन स्टेम सेल्स का। जैसा हमने डिस्कस किया यहाँ पर बोन मैरो के अपेक्षाकृत 10 गुना ज़्यादा स्टेम सेल्स मिलते हैं और रिजेक्शन भी इन स्टेम सेल्स का काफ़ी कम होता है। तो समझ गए आप कोर्ड ब्लड बैंकिंग? सिंपली 20 सेकंड में फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्लेसेंटा में और अम्बिलिकल कोर्ड में जो खून रह जाता है बच्चे के जन्म के बाद, उस खून से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है ताकि फ्यूचर में उन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सके। इसे कहा जाता है कोर्ड ब्लड बैंकिंग। चलते हैं आगे। आगे तो दो आसान आसान आर्टिकल्स हैं। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ये नेशनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। पहली बार था कि नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू मैकेनिज्म के जो 3 पिलर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तीनों ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। थीम थी हमसार, मतलब हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरिटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू कोड। देखो इस एक्सरसाइज को 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की गाइडेंस में। एक्सरसाइज एफिशिएंसी टेस्ट करती है कि जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी आउट करने में उनकी एफिशिएंसी फिलहाल कितनी है, क्या सभी स्टेक होल्डर्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन होगा अगर इमिडिएटली आज के समय में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़ते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल शेयर्ड इकोनॉमी के बारे में है। ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग है। शेयर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? शेयर्ड इकोनॉमी मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें अंडर यूटिलाइज्ड एसेट को या फिर अंडर यूटिलाइज्ड सर्विसेज को इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर छोटे छोटे बिजनेसेस के द्वारा आपस में शेयर किया जाता है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, ओला उबर ऐप आप शेयर करते हो, ये शेयर्ड इकोनॉमी का एक एग्जांपल है। फर्नीचर रेंट पर आजकल मिलने लगे हैं, किसी को आवश्यकता नहीं थी उसने अपना फर्नीचर दे दिया रेंट के लिए, और जिसको आवश्यकता थी कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसने रेंट पर ले लिया। तो ये एग्जाम्पल है शेयर्ड इकोनॉमी का। समझ गए? अब डेफिनेशन फिर से देखो, कंसेप्ट और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। शेयर इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स हैं, यानी वो एसेट्स जो अभी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रही हैं या फिर ऐसी ही सर्विसेज, इनको आपस में शेयर किया जाता है इंडिविजुअल्स के बीच या फिर माइक्रो छोटे छोटे बिजनेसेस के बीच। आमतौर पर देखो इंटरनेट की सहायता से ही ये
शेयर्ड इकोनॉमी वाला जो कंसेप्ट है वो पॉसिबल हो पाता है, जैसे ओला उबर इंटरनेट की सहायता से चलते हैं, बाकी जो ये स्टार्टअप्स हैं जैसे वी वर्क इंडिया और जितने भी हैं ये रेंट मोजो वगैरह, ये सारे इंटरनेट की सहायता से चलते हैं। तो कंटेक्स्ट क्या था? कंटेक्स्ट सिंपल था, एक रिपोर्ट जारी की गई थी मैपल कैपिटल एडवाइजर्स के द्वारा कि इंडिया में करंट ईयर में शेयर्ड इकोनॉमी का जो वैल्यूएशन होगा वो $2 बिलियन का होगा, यानी शेयर्ड इकोनॉमी की जो इंडस्ट्री है वो $2 बिलियन हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, आज हमने 6 आर्टिकल्स डिस्कस किए। बताओ कौन कौन से डिस्कस किए? सबसे पहले पिरामिड ऑफ जोजर के बारे में, सरक्रीक के बारे में, गोर के बारे में, उसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क इसी में था, शेयर्ड इकोनॉमी, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, कोल्ड ब्लड बैंकिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।